तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं प्लांट स्टैंड्स हैं, और प्लांट स्टैंड्स जनरली हम जरूर अपने घर में रखते हैं क्योंकि कई सारे यूजर्स इसके आते हैं, और क्या यूजर्स हैं ये हम जानेंगे अपने बालाजी नर्सरी के ओनर गौरव जी से। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू। और आज हम जो खास मेरा जो सवाल होगा आपसे वो होगा कि प्लांट स्टैंड्स, तो भाई कौन से प्लांट स्टैंड अपने घर के लिए लेके जाएं, क्या पर्पस होता है, डिटेल में थोड़ा बताइएगा। हाँ निशी, मैं बताता हूँ क्या है प्लांट स्टैंड्स बाय करने का मेजर जो रीजन होता है वो होता है डेकोरेशन, ठीक है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दो आपके पर्पसेस सॉल्व होते हैं। आप कहीं पे भी गमले लगा रहे हैं, आप समझ लिए आपके पास ज्यादा गमले हैं, आप दो मतलब दो लाइन अगर लगा दे गमलों की तो या तो पीछे वाला गमला छुप जाएगा या आगे वाला ही दिखता रह जाएगा, वो परेशानी रहती है, ठीक है। दोनों पॉट्स ढंग से डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं। वही चीज अगर आप स्टैंड पे लगा देते हैं तो क्या होता है कि आपके जो भी पॉट्स हैं वो ढंग से दिखते हैं। वो एक अगर एक लेयर आपने एक पौधों के लगा दी, दूसरी लेयर अलग दिखती है, तीसरी लेयर अलग दिखती है, और प्लस वो उस जगह को और ब्यूटीफाई कर देता है। मैं निजी एक और चीज बता रहा था, लोग कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये कस्टमाइज की जाती है, जैसे हम भी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है खरीदने के टाइम पे ये समझना कि कैसे चूज किया जाए कोई भी स्टैंड, ठीक है, ठीक है। जो हम टॉप 5 स्टैंड्स बता रहे हैं चूज करने के लिए वो तो हम बताएंगे ही, बाकी नॉर्मल भी आप कोई स्टैंड लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए आदमी को। एक तो आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए कि स्टैंड में वेट कितना है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतने ज्यादा स्ट्रेंथ होगी आपके स्टैंड की, ठीक है। सेकेंड चीज, आप कोई भी स्टैंड लें तो उसके ऊपर पाउडर कोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ना कि पेंट, क्योंकि पाउडर कोटिंग एक तो फिनिशिंग आपकी बहुत सुंदर कर देती है, दूसरी चीज ये जंग को रोकती है, क्योंकि आप अगर नॉर्मल पेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो छूट जाता है और वो फिर दिक्कत करता है, और फिनिशिंग भी उसकी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग भी लगेगा, जंग तो देखिए इसमें भी लगेगा, हाँ। बट इसमें थोड़ा लेट लगता है क्योंकि इसके अंदर फिनिशिंग ढंग से हो रखे, यहाँ पे कोई जगह छूटती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान रखें कोई भी स्टैंड खरीदने के टाइम, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे पास भी डाउट आता है कि आपका स्टैंड हमें महंगा लग रहा है, तो मैं उनको जब ये सारी चीज समझाता हूँ तो उनको समझ में आता है कि हमारा अगर बाकियों से अगर थोड़ा महंगा लग भी रहा है इनकेस, बाकी है नहीं तो क्यों है, ठीक है। अब बाकी हम स्टार्ट करते हैं आगे जो स्टैंड्स दिखाना है अनीश जी। जी जी। तो सबसे पहला स्टैंड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारा वो है ये कॉर्नर स्टैंड। ये कॉर्नर स्टैंड अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, सामने हमारे एक कॉर्नर बना हुआ है, वहां पे रख के मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये स्टैंड आपका आया और यहाँ पे कॉर्नर में हमने रख दिया इसको, ठीक है। तो इससे क्या है हमारी स्पेस बहुत ज्यादा सेव हो जाती है और ये सुंदर बनाता है कॉर्नर को, वरना कॉर्नर की जगह वेस्ट हो जाती है आप जानते हैं। बिल्कुल। आपने यहाँ पे बाकी गमले लगा दिए, समझिए यहाँ पे बाकी गमले लगा दिए, यहाँ कॉर्नर में आपने ये स्टैंड लगा दिया, बहुत खूबसूरत। और व्यूअर्स को अभी क्या होगा समझ आ नहीं रहा होगा कि कैसा लगे गमले लगने के बाद, तो हम अभी वीडियो कट करके इसमें गमले सजा के फिर हम व्यूअर्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो जी सर, अब हमने लगा दिया पूरा सेट। अब ये अनीश जी आप देख सकते हैं हमने पूरा सेट कर दिया है, ऑल्दो प्लांट्स नहीं है अभी इसके अंदर पर पॉट से समझ में आ जाएगा। तो हमारा 1, 3 और 5 हाँ। इसमें 8 गमले आ गए हैं, वो भी किस साइज के, 11 हाँ। इंच के हाँ। और आपने अगर 10 इंच का 9 इंच के गमले लगाए हाँ। वो तो और भी ज्यादा आ जाएंगे आपको नंबर के अंदर। ये चीज आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो सर आप बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग के बारे में, क्या प्राइसिंग है इसकी? हाँ नहीं जी, इसकी प्राइसिंग जो मैं बता रहा था जो स्टैंड की है, सिर्फ स्टैंड की प्राइसिंग है। कभी कस्टमर्स ये सोच ले कि ये पॉट के साथ है, पॉट के साथ नहीं है। इस स्टैंड का प्राइस है 2800 रुपीज। तो सर जो नेक्स्ट स्टैंड है ये वाला है जी अनिल जी, मैं दिखाऊं हाँ। तो ये स्टैंड आपका ट्रिपल स्टेप स्टैंड है हाँ। तो इसका यूसेज कैसे होता है जनरली, आपने लाइन में इसके कई सारे स्टैंड लगा दिए, चाहे सिंगल भी लगाया हाँ। तो 1, 2, 3 और 4 जमीन के ऊपर, ठीक है। तो 4 आपकी लेयर के गमले आ जाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते लगे हुए। बिल्कुल। प्लस मैं इसके अंदर दिखाऊं तो ये स्टैंड काफी मजबूत भी रहता है, स्टर्डी भी रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं अगर इसके ऊपर उछल रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा तो गमले तो हमारे बहुत अच्छे से रखे जाएंगे ही। तो ये भी काफी अच्छा, और इसके अंदर भी गमले काफी सारे आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बिकने वाला यही होता है क्या? सबसे ज्यादा बिकने वाले स्टैंड इसी टाइप के हाँ। जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप के बहुत ज्यादा बिकते हैं हमारे यहाँ जी, प्लस कॉर्नर्स वाले। जी जी जी। तो ये अब इसके अंदर मैं आपको क्या करता हूँ अनीश जी, इसके ऊपर भी गमले रख के दिखाता हूँ मैं आपको, तो कस्टमर्स को समझ में आएगा कि कैसे लगेगा। तो सर अब हमने इस पे लगा दिया पॉट, कितने पॉट आ गए इसके ऊपर? इस पे वही हमारे 11.5-11 इंच के पॉट, 9 पॉट्स आ गए अनीश जी हाँ। बाकी आप देखेंगे बीच बीच में जगह छोड़ रखी है हाँ। अगर हम जगह कवर कर लेते तो एक और पॉट भी आ सकता है, या फिर आप 12-13 इंच के पॉट भी रख सकते हैं हाँ। और छोटे रख लेंगे तो फिर तो और ज्यादा पॉट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में अनीश जी। इस
स्टैंड का प्राइस है हमारा 2700 रुपीस। 2700 रुपीस जी। में आपको ये देखिए, ये आपको एक चीज बता दूं कि दो क्वालिटी में आता है, ये थोड़ा सा हार्ड हेवी वाला है, तो उससे आप मत देखिएगा, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा, ये आप देखिए ये वाली क्वालिटी हल्की क्वालिटी है, जिन कस्टमर्स को हल्की, इन द सेंस कि इसमें लोहा कम लगा हुआ है, कम वेट का लगा हुआ है, तो जिनको सस्ता चाहिए तो उनके लिए हमारे पास ये वाली वैरायटी है, और ये वाली इतने सस्ते में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, फिर ये वो वाली वैरायटी है। ठीक है सर, तो ये जरूर ट्राई करके देखिए आप। तो सर आपने दिखाया थ्री स्टेप्स, और ये अब अनिश जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टू स्टेप है हमारे पास, ठीक है, और ऐसी हमारे पास वन स्टेप है, ठीक है, दोनों वही सेम क्वालिटी के हैं, बहुत ही स्टर्डी, और इसके अंदर जो सस्ती वाली क्वालिटी हमने दिखाई है आपको वो तो यहाँ पे है ही, तो इसके अंदर भी पर स्टेप थ्री गमले, मतलब तीन गमले आ जाएंगे आपको, आप रख सकते हैं इसके ऊपर बड़े साइज के 12 इंच 13 इंच। और प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग इसकी अनिजी है हमारी 2100 रुपए, ठीक है, और ये वाले स्टैंड की हमारी है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज जी। तो सर यहाँ पे भी कुछ स्टैंड लगे हुए हैं, ये कौन से स्टैंड है? अब क्या है अनिश जी, हमने जमीन को तो यूटिलाइज कर लिया है, हाँ। तो अब दीवार को भी यूटिलाइज कर ले, ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के मेजर स्टैंड है जो ज्यादा चलते हैं हमारे पास, हाँ। एक तो ये सबसे बेसिक सबसे सिंपल, ये हमारा 100 रुपए का स्टैंड है मात्र, ठीक है, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है स्टैंड की, हाँ। तो आप इसको स्क्रू करके इसके ऊपर बास्केट लटका सकते हैं, जो की बहुत खूबसूरत लगती है जी, जी, जी। ये तो मैंने घर पे भी खुद भी लगवा रखा है, ये घर के अंदर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, कैफेज में लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए, इनडोर्स के लिए बहुत लोग लेके जाते हैं हमारे से। ये डिजाइन एक ये डिजाइन है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत डिजाइन, हाँ। और इसके अंदर गमला ऐसे अटक जाता है, तो कोई भी गमला, ये देखिए इसको मैं निकाल के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है जी, बटरफ्लाई की तरह, और इसे आप इसमें गमला लगा सकते हैं, पॉट डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अनिश जी अगर आप, तो ये हमारे पास ये सीढ़ी टाइप की शेप में स्टैंड है, हाँ। जो कि आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, ये देखिए, तो ये स्टैंड हो गया, बाकी इसके ऊपर फिर तीन गमले आप रख सकते हैं, ये भी काफी खूबसूरत लगता है अगर आप दीवार पे लगाएं, तो ये आपने करके ये तीन गमले आपने लगा दिए इसके ऊपर। तो लगभग अगर प्राइसिंग की बात करूँ कितने का रेंज होगा, अंदाजा मतलब बता दीजिए मोटा मोटा। ये वाला जो हमारा स्टैंड है, हाँ। वो 1600 रुपए का है, अच्छा अनिश जी, हाँ। जो ये वाला है इस वाले का मेरे ख्याल में 250 या 300 रुपए का प्राइस है, मेरे को कन्फर्म नहीं है अभी प्राइस, इस पे से हट 500 रुपए का प्राइस है, सॉरी ये 500 रुपए का प्राइस दिख गया मेरे को, चेक 500 रुपए का ये वाला स्टैंड है, और जो छोटे वाला ये तो मैंने बताया था कि ओनली 100 रुपीज का स्टैंड है ये वाला, और पाउडर कोटेड और हेवी क्वालिटी इन सब में ही है। बहुत बढ़िया सर, तो सर यहाँ पर मुझे कुछ स्टैंड दिख रहे हैं, और ये शायद सिंगल वाले है ना जी अनिश जी, मैं दिखाऊँ तो ये वाले जो स्टैंड है, हाँ। ये सारे सिंगल सिंगल पॉट के लिए है बने हुए, ठीक है, तो इसमें फायदा क्या होता है कि आपके पास कम गमले हैं, हाँ। या फिर आपको एक ही गमला है या फिर दो ही गमले अगर रखने हैं ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे डेकोरेशन के हिसाब, हाँ। से तो आप उसको यूज कर सकते हैं, हाँ। तो एक तो सुंदरता गमले के पौधे की बहुत बढ़ जाती है। प्लस क्या होता है कि साथ ही साथ जो भी आपके गमले हैं उनका पानी भी ढंग से ड्रेन हो पाता है, हाँ। और उसके अंदर मिट्टी वगैरह भी यहाँ पे नहीं जमती, आप नीचे से सफाई भी आराम से कर सकते हैं। तो एक तो ये स्टैंड है हमारे पास, इसका छोटा और बड़ा साइज दोनों है, हाँ, और इसकी सबसे अच्छी बात की फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है, यूज में नहीं है तो फोल्ड करके आप रख दीजिए, हाँ। नहीं तो आप इसको निकाल के इसको लगाइए और बारबेक्यू गमला रख लीजिए, और बारबेक्यू भी कर सकते हैं इसके ऊपर, शेप इसकी ऐसे बारबेक्यू जैसी ही है। दूसरा स्क्वायर शेप में ये है, कोई भी गमला इसके ऊपर बस आप रख दीजिए, ठीक है। थर्ड है ये, हाँ। जिसमें आप रखिए और ऊपर से गमला इसके अंदर फिक्स कर दीजिए। देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर आपके आपका घर में होम डेकोर के आपने गमला बाय कर लिया और उसकी हाइट नीचे है, आप चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर दिखे, करेक्ट, तो इसके लिए इसके ऊपर ये, हाँ। आप रख सकते हैं कि छोटे हाइट का गमला है, हाँ। लंबा पॉट आपको नहीं लेना, जैसे हमने पहले भी बता, हाँ। रखा अपने वीडियोस के अंदर, हाँ। छोटा गमला लीजिए, ये लगाइए, आपका जुगाड़ कंप्लीट हो जाएगा, और देखने में भी खूबसूरत लगेगा, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये वाला जो स्टैंड है अनिश जी, ये हमारा 350 रुपीज का है बड़ा, और छोटा इसका 250 का है फोल्डेबल, ये वाला हमारा 300 का है, ठीक है, और ये वाला भी हमारा 300 रुपीज का है। तो सर ये स्टैंड बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, आपने बाहर लगा रखा है अनिश जी, ये एक्चुअली ये वाला स्टैंड तो मैंने घर में भी लगा रखा है, हाँ। वो एक्चुअली ये वाला नहीं, वो दूसरे वाला जो हम दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो ये बड़ा सुंदर स्टैंड लगता है आप लगाएं अगर, हाँ। इसको ये सीधा कुछ नहीं करना, आपको जमीन पे खड़ा करना है, हाँ। और इसके अंदर अराउंड 12 baskets लग जाती है, 12 baskets लग जाएंगे, और ये काफी सुंदर लगता है कि बाइक स्टैंड है, हाँ। और उसमें आप कलरफुल baskets अगर लगा देते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है आपके घर की खूबसूरती को। इसके अंदर आप हैंगिंग वाले प्लांट्स लगाइए, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। और ये ये वाला स्टैंड मैंने घर में लगा रखा, अच्छा, है ये बड़ा सुंदर, ये थोड़ा और सुंदर डिजाइन है इसका, इसमें भी सेम 12 baskets आती हैं। तो ये इसकी प्राइसिंग लगभग क्या रेंज होगी अंदाजन?
अंदाजन नहीं, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, अंदाजन में हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, बता दीजिए। ये 2400 का स्टैंड है, ये वाला 2400 का, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग हो रखी है। जो हमारा पहले वाला स्टैंड है उसमें डिजाइनिंग नहीं है उतनी। ये हमारा 2000 रुपीज का, ये 2000 रुपए का 12 गमले लगा सकते हैं, और क्या चाहिए। बेहतरीन, सामने बोर्ड दिख रहा होगा, बालाजी नर्सरी, गूगल मैप लोकेशन और फोन नंबर और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप आके बालाजी नर्सरी से आप बाय कर सकते हैं। गूगल मैप लोकेशन भी दिया है, तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आके बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।